Hi everyone, this example belongs to array functionalities. Arrays के अंदर जितने भी functions हैं, अगर हमें identify करना हो और arrays में जो values available है उसमें से अगर आपको कुछ operations करना हो तो आप ये example का utilize कर सकते हो. So let's move to this example. Now, as it is written that how to join values from the given array और आप join function का भी use कर सकते हो arrays के अंदर. सो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है जहाँ पे हमारे पास यूज़र का डेट ऑफ बर्थ है. सो आई विल से डेट ऑफ बर्थ एज अ वेरिएबल इक्वल टू एक एरे डिफाइन करते हैं जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेट होगा. लेट्स से दैट विल बी 20 एज अ डेट. देन हमारे पास मंथ होगा दैट इज मार्च. एंड लेट्स से हमारे पास ईयर होगा दैट इज 2000. सो कंसोल के अंदर ये एरे के वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं एंड रन करते हैं यूजिंग ब्राउजर. सो अगर आप रन करोगे यहाँ पे तो हमारे पास एरेज में ये वैल्यूज अवेलेबल है. सो आर ऑन जीरोथ पोजिशन वी हैव डेट, ऑन फर्स्ट पोजिशन वी हैव मंथ एंड हियर इट इज आर ईयर. सो इफ यू जस्ट ओपन दिस प्रोटोटाइप एरे फ्रॉम द गिवन एरे तो ये एरे के प्रोटोटाइप में यू विल सी देर आर सो मेनी फंक्शंस अवेलेबल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट. एंड इफ यू सी इफ यू गो थ्रू दिस नंबर ऑफ फंक्शन सो देर इज अ स्पेशल फंक्शन दैट इज जॉइन इन एरे where you have to pass only one parameter. अब one parameter ये pass करके अब arrays के values को join कर सकते हो. So कैसे इसका utilize करना है, let's see. So in case अगर आप JavaScript में arrays के functionalities learn करना चाहते हो so browser के अंदर ये facility है. browser के अंदर आप move करके आप अपने functions को देख सकते हो. और in case if you want to learn more about this function then there are so many online websites are available जो आपको this functions के बारे में properly explain भी कर सकते हैं. बट ब्राउजर स्पेसिफिकली दिस ब्राउजर इज मच कैपेबल टू अंडरस्टैंड वट आर द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इज अवेलेबल. सो मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में ये फंक्शनैलिटीज इजिली यहाँ पे आप कंसोल एरियाज में देख सकते हो. सो लेट्स मूव टू ज्वाइन फंक्शन. सो आई विल से डेट ऑफ बर्थ डॉट ज्वाइन और लेट्स हमें जो इंडिविजुअली वैल्यूज है हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से ज्वाइन करना है. सो कैरेक्टर का फॉर्मूला होगा स्लैश और जो भी आंसर होगा वो आंसर हम लोग यहाँ पे जाके स्टोरेज करते हैं और प्रिंट करते कंसोल डॉट लॉग आंसर. तो अगर आप चेक करोगे तो जो इंडिविजुअल वैल्यूज है ये सभी वैल्यूज आपका स्लैश कैरेक्टर से ज्वाइन हो जाएगा और आंसर आपको यहाँ पे कंसोल में अवेलेबल हो जाएगा. सो इफ यू डू रीलोड अगेन नाउ द आंसर इज दिस. तो हमने इंडिविजुअल वैल्यूज जो थे वो वैल्यूज को हमने स्लैश के थ्रू ज्वाइन कर दिया और ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रिंग जनरेट हो गया. तो अगर आपको इसका डेटा टाइप भी आइडेंटिफाई करना हो तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ के थ्रू डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर एरे इनटू स्ट्रिंग यूजिंग जॉइन फंक्शन. लेट्स से इन केस अगर आपको स्लैश यूज नहीं करना है तो आप वन मोर अप्रोच यूज कर सकते हो दैट इज लेट्स से माइनस साइन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जो है एरेज के जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट वेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज दिस वन एंड दिस वन. सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन इन जावास्क्रिप्ट हाउ टू जॉइन योर इंडिविजुअल वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग जॉइन फंक्शनैलिटी. एंड प्लीज रिमेंबर मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में इफ यू जस्ट ओपन एंड इफ यू जस्ट गो थ्रू प्रोटोटाइप देन देर आर सो मेनी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल जिसके थ्रू आप अपने एरेज के फंक्शंस का एक्सेस कर सकते. तो ये केस में अगर आपको क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए. प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.